हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। चैनल पे आपका स्वागत है। ये है साउथ इंडिया सीरीज की दूसरी वीडियो। पहले वीडियो में हम आपको लेके गए दिल्ली से मदुरई और आपको दिखाया खूबसूरत मीनाक्षी मंदिर। इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं मदुरई से रामेश्वरम धाम और आपको रास्ते में दिखाएंगे बहुत खूबसूरत इंडिया का फर्स्ट सी ब्रिज, जिस पर ट्रेन चलती है और बहुत ही सुंदर नजारे होते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सो हम लोगों के काफी अच्छे दर्शन हो गए मीनाक्षी टेम्पल में और अभी जो है हमने अपना सफर आगे रामेश्वरम के लिए शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले हम लोग खाएंगे खाना क्योंकि काफी ज्यादा भूख लगी हुई है, क्योंकि फ्लाइट में भी हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं था, ना के बराबर ही खाया था। और टेम्परेचर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा गर्मी है। तो जो लोग, हम लोग तो वेब में आए हैं, अब मार्च अप्रैल के टाइम में भैया कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो आप लोग अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो आपको खाने की जगह के बारे में बताते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं, अच्छा जरूर होगा क्योंकि हमने थोड़ा लोकल लोगों से पूछा है और उन्होंने ही हमें गाइड किया है। सो आपको भी बता दें उस जगह के बारे में। में दो वेजिटेरियन जॉइंट्स है जो काफी पॉपुलर हैं खाने के लिए, एक है मुर्गन इडली और एक है सबरीश। हम लोग मुर्गन इडली ट्राई करने जा रहे और खाने की तलाश में हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। मुर्गन इडली करके जगह है ये, जो अगर आप लोग मदुरई आते हैं तो अगर आप मीनाक्षी टेम्पल आ रहे हैं तो यहाँ का ये सबसे फेमस रेस्टोरेंट है, ये है एक सबरीश है। जी, पे हम लोग गए थे लेकिन अंकित को सिर्फ चावल, वहाँ पे सिर्फ चावल मिल रहे थे तो मुझे सिर्फ चावल नहीं खाने थे। चीज़ है कि लंच के बाद नाइट मॉर्निंग से लेकर लंच 12 बजे तक आपको डोसा वगैरह सब जगह मिलता है, लेकिन लंच टाइम पे पीक टाइम पे सिर्फ थाली मिलेगी, बनान लीफ पे आपको राइस एंड एवरीथिंग उनका मिलेगा, लेकिन डोसा इडली नहीं मिलता। लेकिन साउथ में आए और डोसा नहीं खाया तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, हम लोग मुर्गन इडली पे चलेंगे और वहाँ का खाएंगे और यहाँ देखिए बिल्कुल पूरे टाइम मिल रहा है डोसा, इसलिए हम अंकित के यहाँ डोसा खाने आए हैं। आई विल ट्राई। और पूजा को खाना था केले के पत्ते पे, तो वैसे ही वो खाना सर्व करेंगे, खाना खा के आपको बताएंगे कि कैसा लगा। बता देते हैं कि यहाँ की स्पेशलिटी जो है इनकी घी बॉडी इडली है, जिसमें बहुत स्पाइसी मसाला लगता है इडली के ऊपर। देन देयर इज घी बॉडी अनियन उत्तपम, देन पनीर बटर डोसा, चेटनार मसाला डोसा एंड मैसूर मसाला डोसा। सो वेजिटेरियन ना, एवरीथिंग वेजिटेरियन ना। ओके ठीक है, ये एक ड्राई सब्जी आई है, ये चने आए हैं, देयर इज़ वन मोर सब्जी, देन देयर इज राइस, एंड उसके अलावा मुझे भी अंकित की तरह से फैलाया हुआ सारे चटनियाँ, ये सांभर है और ये पौड़ी इडली है। और फिलहाल मैं इसके अंदर ढूंढ रहा हूँ डोसे को, डोसा कहाँ है। तो हम लोग फाइनली, मैं 3 साल पहले आ गई थी, मैंने पत्ते पे खाना खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल, अंकित इज एंजॉयिंग उनका डोसा, मजा आ गया, दूसरा डोसा है ये मेरा, वेरी गुड फूड। और काफ़ी अच्छा खाना था, तो आप लोग जब भी यहाँ पर आए तो इस जगह को ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है मीठे में भी यहाँ। इस लाइन में पूरी है मदुरई की गोल्ड की दुकानें, भर भर के गोल्ड है। मदुरई से रामेश्वरम की दूरी करीब 170 किलोमीटर है और इसको कवर करने में आपको 3 घंटे लग जाएंगे, और रामेश्वरम से कुछ मिनट पहले ही आपको दिखाई देगा खूबसूरत पामन ब्रिज जो हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अब हम लोगों ने अपना सफर आगे शुरू कर दिया है रामेश्वरम के लिए, तो रामेश्वरम से पहले हम लोग रुकेंगे पामन ब्रिज पे, जो काफी ज्यादा फेमस जगह है, और उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर आगे गणेश कुंड भी है, तो देखेंगे अगर ज्यादा रश नहीं हुआ तो वो जगह भी आप लोगों को दिखाते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से जो पामन ब्रिज है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें इंडियन रेलवेज ने ब्रिज बनाया हुआ है समुद्र के ऊपर, तो फिलहाल जो है वो ट्रेन जो है वो बंद कर दी गई है,
क्योंकि अभी थोड़ा ब्रिज को लेके कुछ इशू चल रहा है, शायद उसका रिकंस्ट्रक्शन होगा या कुछ भी, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेन नहीं चल रही है। अदरवाइज हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम ट्रेन से भी जर्नी करते हैं, तो वो यहाँ से मदुरई से करीब 160 किलोमीटर दूर है, और फिर उसके बाद आगे रामेश्वरम जो है वहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है, तो हमें 3.5 घंटे लग जाएंगे रामेश्वरम पहुँचते पहुँचते। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि पहले हम लोग जो सनसेट है वो पामन ब्रिज से देखेंगे, तो वहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद रामेश्वरम जाएंगे। आज का हमारा स्टे होगा रामेश्वरम में। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने आपको मीनाक्षी मंदिर के जब दर्शन कराए थे तो अंदर हमने बताया था कि 7 फीट की गणेश जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। आपको बता दें कि वो प्रतिमा इस कुंड से अपने आप निकलकर आई थी, और ये जो कुंड है ये मदुरई से रामेश्वरम की तरफ आप जब जाते हैं तब आपको सिटी के बाहर के साइड में मिलता है। मदुरई शहर से निकलते निकलते बाहर हम आ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत कुंड पे। आपको बता दें कि जब मीनाक्षी मंदिर में हम लोग गए थे तो वहाँ पे 7 फीट के गणेश जी की मूर्ति थी जो इस कुंड से खुदाई के दौरान 1600 सदी में निकली थी। तो यही वो पावन कुंड है जहाँ से वो चमत्कारिक मूर्ति निकली थी, और देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है, सेंटर में एक मंदिर है। भैया बता रहे थे कि बोटिंग होती है, लेकिन अभी बोटिंग के लिए टाइम नहीं है, शाम को शायद होती होगी। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है। ऑनेस्टली बताएं आपको तो शहर तो हमें बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन बस धूप थोड़ी तेज़ है दोपहर के टाइम पे। अदरवाइज़ अगर यही लोकेशन हम लोग शाम को देखें तो ये पूरी उदयपुर के फील देती है आपको, लेक बिल्कुल बीच में एकदम महल जैसे है, और यहाँ पर मंदिर है और बहुत ही ग्रीनरी और बहुत सुंदर मंदिर मेंटेन्ड है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हाईवे पर जो आगे लीड करता है रामेश्वर धाम की ओर, लेकिन रास्ता जो है वो बहुत खूबसूरत है। दोनों तरफ आपको दिखाते हैं नारियल के पेड़ हैं। तो अगर हम बात करें तो रास्ता जो है रामेश्वरम तक का रोड बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल हाईवे की फील है, कहीं पे भी रोड पे कोई ग्लिच नहीं मिलेगा आपको, बहुत स्मूथ है। रास्ते में अच्छे एंट्री पॉइंट्स आते रहेंगे, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है बहुत सुंदर नज़ारे हैं जो हम हर मिनट सोच रहे थे कि ओ वाओ ओ वाओ। धूप बहुत तेज़ है इसलिए हम थोड़ा सा डाइसी थे कि आप लोगों के लिए ड्रोन शॉट लिया ना लें, बट एक पॉइंट है जहाँ से हम अपने आप को रोक नहीं पाए, पूरी नॉर्थ इंडिया की फील दे रहा है। देखो ऐसे दूर दूर तक खेत से लग रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि राइस उगा रखे हैं, तो आप लोगों के लिए चलो कुछ बेहतरीन से एरियल शॉट्स लेते हैं। इंडिया की हर स्टेट कितनी कल्चरली रिच है ये आपको वहाँ जाके ही समझ आता है। हर तरह का टेरेन, हर तरह की जो लैंडस्केप है वो उसकी ब्यूटी को कैसे बढ़ाती है ये तो लाजवाब है। और सच्ची बताएं तो हमें तमिलनाडु पर्सनली इतना पसंद आया कि हम लोगों ने अपने आप को वादा किया है कि इस साल एक और ट्रिप हम तमिलनाडु का करेंगे, और जो बाकी एरियाज और जो बहुत खूबसूरत मंदिर हमारे अभी अनटच्ड रह गए हैं उनको आप लोगों के लिए दोबारा कैप्चर करके आएंगे। फिलहाल हमारे पास टाइम की कमी थी और काफ़ी हमारी आइटनरी में और खूबसूरत चीज़ें आपको दिखाने के लिए, इसलिए हम लोगों ने इस ट्रिप को ऐसे बनाया। आशा करते हैं आप लोग भी इस वाइब के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आशा करते हैं इस रोड का आपको एरियल शॉट भी पसंद आया होगा। नीचे से भी जो नज़ारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। और अभी जस्ट हम लोगों ने एंटर किया है रामनाथपुर डिस्ट्रिक्ट में, रामनाथपुर था ना, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, जी हाँ। तो अभी भी हमारा सफ़र जो है वो रामेश्वरम के लिए करीब 3 घंटे का तो बचा ही हुआ है, क्योंकि हम लोग जो हैं कहाँ पर रुकेंगे पूजा? हम लोग जाएंगे नहीं, उससे पहले हम लोग कौन से ब्रिज पे रुकेंगे? पामन ब्रिज। पामन ब्रिज
बामन ब्रिज पे हम लोग रुकने वाले हैं, वहाँ से सनसेट के हम नज़ारे लेंगे, आप लोगों को भी दिखाते हैं। फिलहाल जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया है। और अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ 4 किलोमीटर दूर हैं उस जगह से जो कि कमल हासन, जहां आप लोग जानते ही होंगे साउथ के काफ़ी जाने माने एक्टर हैं और इवन नॉर्थ में भी जाने जाते हैं। परमकुड़ी जो है उनके गांव का नाम है और इस लोकेशन से वो करीब 4 किलोमीटर दूर है। और आपको बता दें जो रास्ता अभी आपने देखा है परमकुड़ी का, वही रास्ता पुराना रास्ता है जो रामेश्वर धाम को जाता था, लेकिन फिलहाल जो है नेशनल हाईवे बन गया है जिस पर अभी हम लोग जा रहे हैं। और देखिए क्या खूबसूरती है साउथ इंडिया की भी, मतलब जगह जगह स्पोर्ट्स ऐसे मिल रहे हैं, हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि हम लोग आगे जाएं। और काफी शानदार नजारा है यहाँ से भी, जैसा हम लोगों को पहाड़ों में देखने को मिलता है उस तरफ देख रहा था कि सेम तरीके से पानी और वहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। और पीछे भी जो है ऐसे ही मार्शी लैंड है जहाँ में पीछे पानी बह रहा है। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके हैं और इंस्टा 360 डिग्री से शॉट लिए हैं, आपको भी दिखाते हैं नज़ारे। हम टारगेट कर रहे हैं कि हम बामन ब्रिज बेसिकली शाम के 5:30 तक पहुँचे जब हम आपको सनसेट की खूबसूरत नज़ारे दिखाएं, इसलिए हम इस जर्नी को थोड़ा सा स्लो रिलैक्स करते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हालांकि हम वीडियो में काफ़ी बार बोल चुके हैं कि गर्मी लग रही थी हमें, लेकिन फैक्ट ये भी है कि हम लोग माउंटेन लवर्स हैं तो नॉर्मल सी साइड जाके हमें फर्स्ट टाइम तो गर्मी लगेगी, लेकिन एट द सेम टाइम दोपहर के टाइम टेम्परेचर्स काफ़ी तेज़ रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती है वेदर काफ़ी सुहावना होने लग गया था, स्पेशली इन फेबरी। एंड आई थिंक अगर आप लोग अपना ट्रैवल प्लान करेंगे मार्च में तब भी आपको इतना डिसेंट वेदर यहाँ पर मिल जाएगा। और अभी लोग हम अपनी मंजिल से करीब 50 किलोमीटर दूर है रामेश्वरम, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, और अभी जस्ट हम लोग ब्रिज पे पहुँचने वाले हैं, करीब 40 मिनट वहाँ तक की लगेगी, तो चलिए वहाँ पर भी आपको लेकर चलते हैं। अगर रामेश्वरम पहुँचने के बारे में बात की जाए तो जैसे हम बता चुके हैं जो ट्रेन जर्नी है वो कितनी पॉपुलर है, तो डेफिनेटली ट्रेन तो यहाँ जाती ही है। उसके अलावा यहाँ पे बसेस भी आपको काफ़ी ऑफन मिल जाएंगी जो मेन मदुरई टाउन से आपको रामेश्वरम पहुँचा देंगे। इसके अलावा प्राइवेट कैब्स जैसे हम लोग आए हैं उसके थ्रू भी आप लोग आ सकते हैं। कैब की डिटेल्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी दी थी, इस बार ही बता देते हैं कि हम स्पीडी ट्रैवल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर में भी डिप आ रहा है, तो अभी थोड़ी सी हवा ठंडी होनी शुरू हुई है शाम को होते होते। इतनी गर्मी अभी है नहीं बट दिन के टाइम में बहुत तेज है, उसकी वजह से गर्मी लग रही है। और सुबह और शाम का मौसम बहुत प्लेजेंट है, और जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग के लिए हमने एक विंडो खोली तो हवा में जो परिवर्तन था वो अमेजिंग सा था, बहुत ही प्यारी सी हवा लग रही थी, ह्यूमिडिटी चली गई बिल्कुल, गर्मी चली गई बिल्कुल। और देखते हैं रामेश्वरम पहुँचते पहुँचते कितना हमें बदलाव देखने को मिलता है। और इस रास्ते की एक और अच्छी बात ये है कि इस रास्ते पर जगह जगह पर आपको खाने पीने की शॉप्स मिलती रहेंगी और रास्ता आपका इजिली कट जाएगा। तो हम लोग भी अभी थोड़ी देर पहले स्नैक्स के लिए रुके थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे नींबू पानी वगैरह लिया, क्योंकि और चीज़ें तो हम इतना खाते वाते नहीं हैं, तो काफ़ी अच्छा बनाया था।
तो चलिए बात कर लेते हैं पामन ब्रिज के बारे में। पामन ब्रिज इंडिया का सबसे पहला सी ब्रिज है जो 24 फरवरी 1914 में इनॉग्रेट हुआ था और ओपन हुआ था। आपको बता दें कि ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज भी था जब तक बांद्रा वर्ली सी लिंक 2010 में नहीं खुला था। तो आप देखिए 1914 जैसे टाइम में समुद्र के ऊपर ये ब्रिज बनाना एक काफी बड़ा अचीवमेंट था अपने आप में। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मंडपम रेलवे स्टेशन को, जहाँ से जो आप ट्रेन लेते हैं कहाँ के लिए पूजा? पामन ब्रिज के लिए। पामन ब्रिज के लिए जो फिलहाल बंद हो रखी है, तो क्योंकि ब्रिज को लेके कोई दिक्कत चल रही है। अभी आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का व्यू। एक बात आपको बता देते हैं आपके नॉलेज के लिए कि जो ट्रेन से जो रास्ता जाता है वो पॉपुलरली कहलाया जाता है पामन ब्रिज, जो मंडपम गांव और पामन गांव को कनेक्ट करता है। लेकिन जिस रोड से हम ट्रैवल कर रहे हैं उस रोड को बोलते हैं अनाय इंदिरा गांधी रोड ब्रिज, जो कि NH-49 है। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं साउथ इंडिया में। टू माई लेफ्ट इज बे ऑफ बंगाल, टू माई राइट इज इंडियन ओशियन। और हमने काफी सनसेट देखे हैं हिमालयन पीक से, लेकिन आज हम साउथ इंडिया में बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से एक खूबसूरत सनसेट आप लोगों को दिखाने वाले हैं। पामन ब्रिज पे आप लोग तीन ब्रिज देख पाएंगे, एक ब्रिज जिसके ऊपर से गाड़ियां चलती हैं, एक पुराना ब्रिज और एक नया ब्रिज। उसके बीच में एक छोटा सा ब्रिज और है जो बिल्कुल डैमेज है, जिसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और थोड़ा करेक्शन करना चाहेंगे, जो ये साइड में रेलवे ट्रैक चल रहा है ये एक्चुअली न्यू ट्रैक बन रहा है, पुराने वाला अब ये नहीं है। भैया हमें दिखाएंगे पामन ब्रिज पे पहुंच के, नज़ारे काफी ज्यादा शानदार है। इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल ज्योग्राफी में पढ़ा था और आज इवेंचुअली देख भी लिया। और अगर पानी की बात करें तो आप ब्रिज के नीचे जो पानी देख रहे हैं वो इतना नीट और इतना क्लीन है कि शायद इंडिया में आप लोगों को अंडमान्स में ही इतना साफ पानी और देखने को मिलेगा। हम ब्रिज के आर पार देख पा रहे थे, नीचे तक दिखाई दे रहा था। काफ़ी अलग सी यूनिक सी फीलिंग थी। माउंटेन लवर्स हैं, हमेशा से माउंटेन्स जाते हैं और सी की तरफ जाके इतना क्लियर पानी देखना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे आप दो ट्रैक्स देख रहे होंगे। पहले वाला जो ट्रैक है यहाँ पे पामन ब्रिज लिखा हुआ है, ये है ओल्ड ट्रैक जिस पे अभी फिलहाल ट्रेन नहीं चल रही है। और इसके अपोजिट आप दूसरा ट्रैक देख रहे हैं जहाँ पर वो जो मशीन लगी हुई है उस पर काम चल रहा है। तो नए वाला ट्रैक जल्दी चालू होगा और दोबारा से ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। और यकीन मानिए हम अपने आप को काफ़ी लकी मान रहे थे कि पूरी ट्रिप बाई चांस इस तरह से प्लान हो गई कि हम सच में ही एक बहुत ही उम्दा सनसेट पामन ब्रिज पर देख पाए। शायद शब्दों में बयां करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन जो फीलिंग थी उस टाइम पे, बहुत प्यारी हवा चल रही थी, सूरज एकदम सनसेट वहाँ होने को था, तो हमने उस पूरे वाइब को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और आशा करते हैं कि आप लोग भी टीवी पे इसे एंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल हम लोग हैं पामन ब्रिज पे, जहाँ के नज़ारे मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती हूँ। मेरे पीछे सनसेट होने को है, देखिए बेहद खूबसूरत रेड स्काई लाइन, बिल्कुल क्लियर स्काई, कोई भी दो राय नहीं है, नज़ारे वाव। यहाँ पे देखिए ट्रेन तो नहीं चल रही है, लेकिन पानी देखिए आप,
जबरदस्त खूबसूरत, बिल्कुल लोग नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, बहुत ही सुंदर लग रहा है सब कुछ। और ये अंकित आप लोगों के लिए बहुत तेज जो हवा चल रही है इसमें रोन उड़ाने की कोशिश करते हुए, एंड प्लीज हम आशा करते हैं कि कुछ हमारे को शॉट्स मिल जाए। वाओ, वसूल हो चुका है, बहुत ही शानदार सनसेट देखा है हम लोगों ने और बिल्कुल यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। मीनवाइल एक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि हमने आपको बताया कि ये है ओल्ड ब्रिज और एक है न्यू ब्रिज, लेकिन उसके बीच में ध्यान से आपको दिखाते हैं एक ब्रिज जा रहा है जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, टूट चुका है। ये वो ब्रिज है जो सुनामी में टूट गया था, जिसके अंदर एक पूरी की पूरी ट्रेन पानी में बह गई थी और कम से कम 1800 लोगों की मौत हो गई थी। तो वो आपको मैं दिखाती हूँ बीच से, सुंदर जितना है उतना ही डरावना भी है। पूरा यूनिवर्स क्या है हम लोग नेचर के सामने, कुछ है ही नहीं हम लोग, ये आपको एहसास होता है इतनी खूबसूरत जगहों पर आकर। मीनवाइल अंकित जी ने बहुत ही तेज हवा में आप लोगों के लिए बहुत सुंदर ड्रोन शॉट्स लिए हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस जगह की इम्पोर्टेंस का पता इस बात से ही पता चलता है कि आप मेरे पीछे देखिए इतने सारे स्कूली बच्चे आए हुए हैं यहाँ से सनसेट को विटनेस करने के लिए। तो चलिए अब अपना सफर आगे के लिए जारी करते हैं। तो सुबह करीब 3 बजे हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया था दिल्ली से, और अभी जो टाइम हो गया है 7:30 बज चुके हैं और हम फाइनली रामेश्वरम पहुँच चुके हैं। सामने एकदम श्री राम जी देखो, तो अभी हम लोग आपको बताएंगे सब कुछ कि कहाँ रुकना है, हम कहाँ रुके हैं, क्या प्रोसेस है, बट अभी हम बहुत टायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, रूम में सेटल होते हैं और उसके बाद आपको सारी डिटेल देते हैं। तो इससे पहले कि हम रूम पूरा फैला दें और आपको कुछ दिखा नहीं पाए, तो बता देते हैं हम आपको कि हम लोग कहाँ रुके हैं और आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन रुकने के लिए। हम लोग रुके हैं JKR रिजॉर्ट में, जो यहाँ का द बेस्ट रिजॉर्ट है रुकने के लिए, इट्स लाइक अ 5-star है। और हम लोगों को पता था कि हम बहुत थक कर आएंगे और हमें एक अच्छी जगह रिलैक्स करना था, तो इस चक्कर में हमने रूम यहाँ पे बुक किया था। रूम बहुत बेसिक है, होटल काफ़ी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो हमें यहाँ का रूम पड़ा है अराउंड 11,000 रुपीस फॉर 2 nights, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है लेकिन डिनर इंक्लूडेड नहीं है। डिनर का बुफे कॉस्ट अराउंड 900 पर पर्सन अलग से हमें देना है। मीनवाइल आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं इसी कैटेगरी में। JKR से 2 levels अगर हम कम बात करें तो एक दैविक होटल है और एक स्टार पैलेस है जो इससे बस कुछ 300-500 meters दूर पहले ही पड़ता है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो उसमें इसी रेट के अंदर आपको फूड भी मिल सकता है, थोड़ा सा इससे भी नॉमिनल रेट पे आपको मिल सकते हैं रूम। उसके अलावा पूरे रामेश्वरम में आपको 700-800 हज़ार रुपये से लेके 11,000-12,000 रुपये तक का रूम आराम से मिल सकता है। तो आप अपनी प्रेफरेंस और अपने चॉइस सिलेक्शन की वजह से जो भी आपको प्रॉपर्टी पसंद आए उसमें रुक सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पामन ब्रिज अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में आपको लेके चलेंगे रामेश्वरम धाम में और दर्शन कराएंगे भोलेनाथ के।